तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का पूरा अपडेट दूंगा। एक गाय भी हमने बेच दी है, कौन सी गाय है और क्या वजह थी बेचने की, ये बहुत बड़ा समस्या है लोगों के साथ। क्यों बेचना चाहिए? क्योंकि अगर आप फार्मिंग 10-20 गाय का कर रहे हैं तो साल दो साल में एक दो गाय ऐसी होगी जो बेचनी पड़ेगी। आप या तो उसको खराब समझकर बेचें या अच्छा समझकर, लेकिन बेचना तो पड़ेगा ही। क्या वजह थी मेरी, मैं अपना अपने वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बेचने के टाइम काफ़ी मोह मीन्स ऐसा लगता है कि यार क्या कैसे बेच दूँ, इतनी महंगी गाय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्लस माइनस करते हैं, जोड़ते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वही गाय हमको ये नुकसान देती है जो हम बेच नहीं पाते, जिसके मोह में हम रहते हैं। अगर हम बात करें उस गाय का जिस गाय को हमने बेचा है, उस गाय को हमने एक गाय से बेच कर कहें या बदल कर हमने उस बछड़ी को लाया था। लगभग वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस बछड़ी को हमने लाया अपने पास, लगभग 5 महीना पाला, उसके बाद उसने बच्चा दी। बच्चा देने के बाद हमने जब बच्चा दी तो उसके बाद उसके एक बांट बचपन से ही बंद था। काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने लेकिन उसका सुधार कुछ नहीं हुआ। दूध की बात करें तो फर्स्ट लैक्टेशन में वो लगभग 3 बांट से 5 केजी वन टाइम, यानी लगभग 10 से 11 केजी दूध पे आई थी। एक बछड़ी उसके साथ बच्चा दिया, जब वो बछड़ी आई तो वहाँ पे उस साइड वाली जो बछड़ी है वो उसकी बछड़ी, गाय की बछड़ी है। हम लोग ने काफ़ी कोशिश करने के बाद उसका थन सही नहीं कर पाए और 3 बार से दूध निकालते थे, लेकिन समथिंग 4 महीने बाद, अभी 4 महीने उसके बच्चे को देकर हो गए थे, तो उसका करीब दूध तकरीबन दिन का 6 से 7 केजी करीब में अपने फार्म पे हो रहा था और कॉस्ट समथिंग हम लोग उसको लगभग उतना ही खिला दे रहे थे। उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। फ्यूचर हमने क्यों बेचने का कारण क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लोग के पास वो 6-7 लीटर थी, प्रेग्नेंट नहीं थी, उसको सही तो मैंने हम लोगों ने क्रॉस भी नहीं करवाया था। एक टाइम भी हिट में ज़रूर आई थी लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि नवंबर में करवाएंगे, बट उसका दूध काफ़ी डाउन हो गया। उसी टाइम इस गाय ने बच्चा दी है लेकिन इसका दूध अभी भी कंटिन्यू है। उससे अच्छा ये मुझे श्योर जर्सी जो है लगता है कि प्रेग्नेंट है नहीं है, अभी श्योर पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपना एक अनुभव से जो चेक किया है तो ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। 3 महीने समथिंग इसका होने वाला है लेकिन इसका अभी भी दूध 6 से 7 केजी होती है। जर्सी है, क्रॉस ब्रीड है जर्सी का, अच्छा दूध फिर भी निकाल रही है, इस वजह से हम लोग इसको रखे हुए हैं। वो फ्यूचर क्या था उसके अंदर, अगर हम लोग 3 बार से दूसरे बार में भी मस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा था, दूसरा अगर वो उसको सेल नहीं करते, अगर हम अपने यहाँ पालते भी तो ब्यात में अच्छी दूध नहीं कर पाती, इस वजह से सेल करना है। फार्मिंग कर रहे हैं आप और आपके पास भी अगर 20 गाय है जिसमें से 5 गाय 3 गाय 10 गाय ऐसी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगले बात ब्यात में बच्चा देने के बाद भी उसका 20 लीटर तक के दूध नहीं आती है, तो आप उसको सेल कर देना चाहिए, ताकि जो अच्छी गाय है, जैसे इनका दूध, शीतल का दूध या भैंसों का दूध या इनका दूध से आपको बेनिफिट हो, ना कि इनका ही दूध उनको खिलाने में लग जाए। ये चीज हमको समझना होगा। होता क्या है कि हम अपने माइंड में ये रखे रहते हैं कि हमने इतना महंगी गाय खरीदी है, इसको कैसे सेल कर दें, यही सोच के वजह से हमारा और फ्यूचर नुकसान होता चला जाता है। इसलिए हम मेरा एक सुझाव यही रहेगा कि वैसी गाय जो फ्यूचर नहीं है, जो ऐसा आपको लगता है कि वो फ्यूचर में आपको दूध नहीं करने वाली, तो उस टाइप की गाय को मेरे हिसाब से सेल कर देना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तभी जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। बहरहाल अपने फार्म पे उसको हमने इसी वजह से सेल किया। सेल का प्राइस आपको पता होना चाहिए कि डाउन है, काफ़ी कम मिलता है। अगर आपके गाय में किस तरह की, यानी कि 3 बार की है, दूध कम है, तो उस तरह की गाय को अगर बेचना जाते हैं तो हमारा मार्केट बिल्कुल डाउन है, हमारे यहाँ दाम नहीं मिलता। मैंने उसको 12,000 कहा, किसी ने 13,000 कहा। बहरहाल वो हमने अपने फ्रेंड इम्तियाज़ भाई जो कुर्था से हैं, इम्तियाज़ भाई के यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा भाई हम मेरे यहाँ भेज दीजिए, जैसा होगा देखा जाएगा। प्राइस काफ़ी कम है और सबको पता है, क्योंकि गाय अच्छी नहीं थी। लोग इस तरह की गाय को अगर आपको भी कहीं भी मिलता है घर पे दूध खाने के लिए तो आप खरीद सकते हैं मात्र 12-13 हज़ार में 2-4 लीटर दूध करने वाली दिन का,
मिल जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, इस वजह से हमने बेच दिया। अब हम अपने फार्म की और दूसरी बात करें तो हमारे फार्म पे अब गाय धुलना बंद हो गया है क्योंकि मौसम काफी ठंड वाली आ गई है और इस वजह से हमने साफ सफाई पे गोबर फेंक कर झाड़ू वगैरह करवा दिया है। बाकी धुलने का टाइम खत्म, क्योंकि हमारे जस्ट बगल में जहाँ पे दूध गाय धुलने का जो पानी जाता था वो खेत भी अब पानी उसमें नहीं डालना है, इस वजह से अब हमारे फार्म पे गाय धुलना मुश्किल हो गया। मौसम भी काफी ठंडा हो गया, अब धुलने का समय भी नहीं है। आप साफ सफाई इस तरह से कर सकते हैं, हमारे फार्म पे भी कर दिया है। दूसरा, अपने फार्म की बछड़ियों की बात करें तो ये बछड़ी हीट में आई हुई है, जो हमारी ब्लैक कलर की 40116 जो शीतल रानी यानी कि हमारे पास रेड वाली जो गाय थी उसकी बछड़ी है, ये हीट में ऑलरेडी आई हुई है और बाकी कोई भी हीट में नहीं आई है। इसकी बात करें तो ये अब श्योर लगने लगी है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरी, और अपने फार्म पे दूध की बात करें तो बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि शीतल दूध बढ़ा क्या, कितना हुआ। एक्चुअली मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत दूध आगे पीछे हो रहा है, तो इसका दूध अभी भी लगभग 20 लीटर के करीब में है। 20 प्लस भी हो जा रहा है, 20 से नीचे भी हो जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि दिन में कभी कभी किसी दिन गर्मी ज़्यादा हो रही है और रात में ठंडी ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मौसम जब चेंज हो जाए, लगभग 5 से 10 दिन और लगेंगे इस तरह का होने में। जैसे ही सही हो जाता है तो हमारा दूध एक रेगुलर हो जाएगा और बढ़ेगा ही। ठंडी के मौसम में सभी गाय का दूध बढ़ जाता है। इसका ये वजह है कि अच्छा खाना खाती है, ज़्यादा पचाती है, और पचाती है तो खाना ज़्यादा खाएगी, पचाएगी ज़्यादा तो दूध जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बढ़ के आएगा। दूसरी, ये बछड़ी की बात करें तो मस्टाइटिस हमारे पास हमारी इस बछड़ी को हुआ था, जिसको हमने काफ़ी कवर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डाउन हुआ। काफ़ी सारे हमने एंटीबायोटिक भी यूज़ किया, जो कि हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। और यहाँ पे आपको मिल्क वैन भी वगैरह दिख रहा है और स्वेलिंग भी काफ़ी कम हो गया है। इस साइड से इस साइड देखा जाए तो पहले के अपेक्षा काफ़ी हद तक के इसमें कंट्रोल देखने के लिए मिल रहा है। दूध की इसकी बात करें तो लगभग 12 से 13 केजी के करीब में है, तो इसका भी दूध बढ़ने के अनुमान हम लोग लगा पा रहे हैं, लगाएंगे, बढ़ना चाहिए, उम्मीद करेंगे कि बढ़ेगा। और अपने फार्म पे बिल्कुल तना टन टका टक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हमारा फ्यूचर ये प्लान था कि दिसंबर तक एक ऐसी गाय खरीदी जाए जो लगभग एक महीने ब्याने में बची हुई हो, यानी कि अगर हम लोग नवंबर में गाय खरीदते हैं तो नवंबर के शुरुआत में अगर हमने खरीदा तो दिसंबर के शुरुआत में वो गाय बच्चा दे, ताकि हम लोग एक महीना जो है उसको अपने यहाँ ट्रांजेक्शन करवाएँ। ट्रांजेक्शन करवाने से हमें काफ़ी रिजल्ट मिला, जो कि आपके सामने इसकी थन बाट लगभग टाइम बता दूं मैं आपको, 6 से 6:30 के बीच में दूध निकाला गया है, 8:30 करीब हो रहा है। इसका थन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि स्वेलिंग वगैरह, हार्डनेस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी कि ये गाय बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और अभी तक डिस्चार्ज गंदा आ रहा है क्योंकि इसका 20 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 20 दिन कंप्लीट नहीं हो जाता और डिस्चार्ज गंदा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक दूध बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूध बढ़ जाएगा, नो डाउट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फ्यूचर में आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ कितना दूध हुआ इस गाय से। बहरहाल, और बाकी की बात करें तो हम लोगों का जो प्लान है हमने बताया। अगर आपके पास भी कोई इस तरह हमारे बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट के करीब में किसी को ऐसी गाय बेचनी हो जो लगभग 20 लीटर के करीब में दूध निकालती हो और एक महीना पहले अगर आप बेचना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करना चाह रहे थे कि हमारे फार्म पे क्या हालात है, हमारे फार्म का क्या अपडेट है। काफ़ी दिन हो भी गए थे और लोगों का इंतज़ार होता है, तो हमने इस वजह से आपको आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।